दोस्तों, आपका गोपाल जी का नमन। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका नाम आते ही अलग सी मना स्थिति हो जाती है। हम बिल्कुल एक भौतिकवाद में चले जाते हैं, हमारी मानसिकता ही चेंज हो जाती है। एक वैशीपना, एक हवस, बस पता नहीं क्या 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 भावनाएं, कैसी कैसी भावनाएं मन में आने लगती हैं। पैशन नाम आया, मेंटल प्रोस्टिट्यूशन हुआ, वासना नाम आया, बाजीकरण के बहुत सारे उपाय हम देखते पढ़ते सुनते हैं, कामुकता की बातें आती हैं, सेक्सुअल सेक्सी वर्ड्स सामने आते हैं, भोग का नाम आता है, मैथुन का नाम आता है, मद का नाम आता है। यानी कि मतलब ये कि अपोजिट सेक्स से संबंधित जहां हमारा ध्यान बटा, थोड़ा सा भी हमारा ध्यान बटा, तो बस ये हमारी जो हमारा मनोविकार, हमारी मना स्थिति एकदम से चेंज होने लगती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है दोस्तों, ये इसमें कोई संत बिरला पुरुष ही कोई बचता होगा, नहीं तो मैं नहीं समझता कि इन इन शब्दों से और इन इन इनके अर्थों से, इस टाइप की चीज़ों से आदमी में मानसिकता उसकी विक्षिप्त ना हो जाए, उसमें मेंटल प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट ना हो जाए। और दोस्तों, सबसे बुरा मैं मानता हूँ मेंटल प्रोस्टिट्यूशन को, सोच, हमारी हमारी सोच, हमारी भावना, हमारे मनोभाव। हम किसी को देख रहे हैं, हमारी देखने की नज़र कैसी है, हमारी भावना अगर ममत्व की है तो एक अलग भावना होगी, हमारी भावना हमारे हमारे आंखों में कामुकता है तो हमारी एक अलग भावना होगी। तो वो जो फिर उससे जो मेंटल प्रोस्टिट्यूशन स्टार्ट होता है दोस्तों, वो बहुत डेंजरस है। तो वो कैसे उसको, और उसको उसके फिर अलग अलग रूप हैं। आप देखिए कि उसको जो लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वो उसको भड़काने के लिए कर रहे हैं, दवाएं दे रहे हैं, मेडिसिंस दे रहे हैं, बहुत सारे उत्तेजक चित्र दे रहे हैं, उत्तेजक पदार्थ दे रहे हैं, सेक्सुअल एनहेंसमेंट के लिए पता नहीं, गॉड नोज भगवान जाने क्या क्या चीजें दे रहे हैं। तो और उसमें क्या हुआ कि मैंने कहीं किसी को सुना कि भगवान के नाम भी इसलिए देने लगे कि वो हमारी ये डिजायर बढ़े, इससे हमारा एनहेंसमेंट बढ़े, उससे हमारी सेक्सुअल डिजायर बढ़े। तो ये दोस्तों, ये मानसिक विक्षिप्तता ही कहूंगा इसको, कि ये सोच व्यक्ति की अपने अपने, और ये जो है ये एमेच्योर्ड माइंड की चीजें हैं, अपरिपक्व मानसिकता, मानसिकता जिसको बोलते हैं वो है। अगर थोड़ी सी भी बौद्धिकता है, थोड़ा सा भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा भी बौद्धिकता से सोच रहे हैं, थोड़ा सा भी भौतिकवाद से हटके थोड़ा सा भी अध्यात्मवाद की तरफ पढ़ रहे हैं, तो फिर मना स्थिति चेंज होने लगेगी दोस्तों। क्या किया लोगों ने, काम गायत्री का नाम जोड़ दिया कि काम गायत्री का पाठ करेगा तो क्या होगा कि लव मैरिज हो जाएगी, मनपसंद लड़की से शादी हो जाएगी, मनपसंद लड़का मिल जाएगा, सेक्सुअल डिजायर बढ़ने लगेंगी, तो ये भावनाएं डेवलप करने लगे लोगों में, तो उसका अर्थ का अनर्थ होने लगा, है ना। तो ये चीजें दोस्तों, इसको कैसे क्या करें इसको, क्योंकि देखिए क्या है कि अच्छी बातें बताएंगे वो नहीं समझ में आएंगी, है ना, और बुरी बातें बताएंगे जो एकदम समझ में आने लगेंगी। और क्या होता है कि जो अच्छी 99% बातें हैं वो 1% जो ये सब चीजें विकार हैं इनमें खत्म हो जाती हैं। आप देख रहे हैं, आप देखते हैं, अगर मान लीजिए मैंने इसका टॉपिक जरा सा भी चेंज कर दिया तो इसके क्लिक्स बढ़ जाएंगे, मेरा एक अच्छा हम राम का नाम लेंगे तो एक क्लिक होगा, अगर हम पता नहीं क्या कोई सेक्सुअल कोई काम उत्तेजना वाली कोई चीज हम देने लगेंगे तो उसके क्लिक्स 1 करोड़ में पहुंच जाएंगे, 1 लाख में पहुंच जाएंगे। ये मानसिकता दोस्तों, काम गायत्री आता है, सत्य है ये, बहुत तलाश किया मैंने और एक नहीं अनेक काम गायत्री मंत्र मैंने देखे। नेट से ही सर्च करता हूं, चोरी करता हूं भाई, मैं भी चोर हूं, मैं भी छोड़ता हूं, मैं भी टीप करता हूं, मगर थोड़ी सी बौद्धिकता अप्लाई करके एक चीज देखता हूं तो 10 जगह खोज करता हूं उसकी कि इसमें सत्यता क्या है। तो काम गायत्री के कई मंत्र मिले मुझे, मगर हम मानेंगे शांति कुंज वालों को, हम बिल्कुल मानेंगे, हम हमारे लिए मान्य है, पूजनीय है, हम अथॉरिटी हैं, वो
उनको हम डिनाई नहीं करेंगे। और अगर फिर साहित्य में जाते हैं, अगर तंत्र साहित्य में जाते हैं अगर, तो तंत्र साहित्य में मंत्र महाणव को मैं प्रेफर करूंगा। मंत्र महाणव भी कई सारे, अब इसकी टीकाएं कई सारे आने लगी, मगर जो मंत्र महाणव जिन्होंने देखा होगा, श्री वेंकटेश स्टीम प्रेस बंबई वाली पुरानी ओल्ड मोटे मोटे स्क्रिप्ट हैं जिसमें संस्कृत में है वो, उसमें मैंने तलाशा कि गायत्री के 59 मंत्र दिए हुए हैं विभिन्न देवी देवताओं के, जो उसमें वर्णन दिया हुआ है। और मैं आए दिन देखता हूं कि नए नए गायत्री, बस मतलब मुझसे बुलवाई नहीं कि वो गायत्री मंत्र, ये गायत्री मंत्र, वो गायत्री मंत्र, जिसका है गायत्री मंत्र से जोड़ दिया। ये कितना ऑथेंटिक है, कितना मैनमेड है, कितना शास्त्रोक्त है, कितना न्याय संगत है, तो ये सब चीजें अपने बुद्धि और विवेक से सोचिए। मैं किसी को कटाक्ष नहीं कर रहा, किसी की मैं आलोचना नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं कि काम गायत्री शब्द जरूर कानों में ये चुभने वाला शब्द है, क्योंकि काम शब्द आते ही एकदम क्यूपिड का ध्यान आने लगता है, कामदेव का ध्यान आने लगता है, काम वासना की तरफ ध्यान चला जाता है, सेक्सुअल डिजायर्स की तरफ इच्छाएं बढ़ने लगती हैं। मगर दोस्तों इसको, इसको अर्थ को अलग उसमें नहीं लें। हम जो इसको कर रहे हैं, जो मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि जो हमारी काम इच्छाएं हैं, जो हमारे विकार हैं, जो हमारी सेक्सुअल डिजायर्स हैं, तो ये कैसे कंट्रोल में रहे। ये नहीं कि कंट्रोल में रहकर जो अपना गृहस्थ जीवन है वो नहीं निभाए, मगर अगर इसके साथ व्यक्ति गृहस्थ जीवन भी बिताता है तो फिर उससे क्या होगा कि जो परिवार में जो स्नेह है, जो मियां बीवी का एक वास्तव में जो रियल लव जिसको बोलते हैं, एक तो पैशन वाला लव हो गया और एक जो इटर्नल लव जो हो गया, तो वो दिव्यता आपके अंदर आने लगेगी अगर आप काम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। कुछ नहीं करना दोस्तों, एक माला नित्य नियम बना लें अपनी पूजा में, जोड़ लें इसको, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय लगता है आपको, धीरे धीरे बोलें, तेज बोलें, जैसे भी बोलें आप, तो ये आप कोई बंधन नहीं, सिर्फ स्टार्ट करें। देखिए किसी भी चीज को करने से पहले, वो पहले तो उसमें आस्था हो, फिर वो जबान पे चढ़े आपकी, फिर जबान से चढ़ के फिर अंतः मन में उतरे, फिर आंतरिक जो होता है नाद होता है, जैसे नाभि से लेकर अनादि चक्र तक, फिर गुंजन स्टार्ट हो जाए, तो जब वो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी किसी मंत्र की, हम उस मंत्र को अंगीकार कर लेंगे अपने षट चक्रों में, हमारे षट चक्र उसको स्वीकार करने लगेंगे, तब फिर वो प्रभावी होने लगेगा, उसका मजा आने लगेगा, उसका आनंद आने लगेगा, उसकी अनुभूति होने लगेगी आपको। तो ये गायत्री मंत्र मैंने बताया कि बहुत सारे हैं गायत्री मंत्र, अब कौन सा अपनाएं, कौन सा छोड़े, ये फिर दुविधा पैदा होती है। तो मैंने फिर आपसे वही अर्ज किया कि हम मंत्र महाणव वाले मंत्र को मानेंगे। मैं बोल देता हूं, और दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, उच्चारण मेरे से त्रुटि होती है, हो जाती है, इट्स बट नेचुरल। तो वो आप फिर देखें, उसको तलाशें, खोजें, उसका शुद्ध मंत्र तलाशें, उसका शुद्ध उच्चारण तलाशें। मैं बार बार कहता हूं कि मंत्रों में, विशेष रूप से इस टाइप के मंत्रों में, अर्थ इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर अगर प्रोनाउंस नहीं होगा मंत्र, तो वो क्या होगा, वो उसका जो उसका हमारा ईड़ा पिघना नाली में जो हमारा मंथन होता है, घर्षण नहीं होगा, उससे एनर्जी नहीं जनरेट होगी, षट चक्र में चोट नहीं करेगा, और चोट नहीं होगा तो विस्फोट नहीं होगा, विस्फोट नहीं होगा तो मंत्र का प्रभाव नहीं होगा, एनर्जी नहीं जनरेट होगी। तो इसलिए दोस्तों प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन जरूरी है, और वो हम, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, मैं तो एक ओरेटर हूं, तो मैं बोल रहा हूं तो बोल के नहीं आएगा, अगर हम इसको बैठ के ध्यान से, ध्यान लगा के करेंगे, तो फिर वो एक अलग अनुभूति होगी, फिर लगने लगेगा हाँ यार ये रियल सेंस में मंत्र है, तब अच्छा लगने लगेगा। मैं मंत्र बोल देता हूं दोस्तों, कुछ मत करिए, बस काम गायत्री का जाप कीजिए, और इस भावना से कीजिए। देखिए मैं विशेष रूप से, मैंने उनमें बड़ा प्रभावशाली देखा कि हमारी मानसिकता बिल्कुल, मतलब कलुषित मानसिकता होती जा रही है, यानी कि देवी देवताओं के कई बार ऐसे मैंने देखा, मेरे पास जो केसेस आए कि कहते हैं भाई साहब पूजा करते हैं, सब ध्यान प्यान करते हैं, और जब देवी देवताओं को देखते हैं तो हमारे मन में क्या होता है, अश्लील भावनाएं आने लगती हैं। तो ऐसी भावना, मना स्थिति हमारी, हम सोचते हैं जो हमारे, जो वही मनोभाव हमारे अंदर से पैदा होते हैं, वैसी हमारे, हमारी भावनाएं होने लगती हैं, और फिर भावनाएं परिलक्षित होती हैं कहीं किसी न किसी रूप में, तो फिर वो फिर उसमें अच्छा बुरा नहीं दिखाई देता, कि देवी देवताओं के चित्रों के सामने भी फिर ऐसी मना स्थिति होने लगती है, अश्लील बातें आने लगती हैं।
तो उस चीज को चेक करने के लिए, उस मना स्थिति को चेक करने के लिए ब्यूटीफुल मंत्र, बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं धीरे धीरे बोल देता हूं दोस्तों इसको मंत्रों को। और एक मंत्र जो मैंने बताया ना कि ये मैंने जो मंत्र महाणव से जो मैंने लिए, ये 59 टोटल मंत्र है उसमें जो मंत्र है, ये अगर कोई देखना चाहते हैं तो ये पेज 278 पर अंकित है ये वाला मंत्र, वहां से आप कॉपी कर सकते हैं, इसकी फोटोकॉपी भी दे सकते हैं ताकि इसका आप अच्छे से आप इसको मनन कर सकें, अच्छे से चेंट कर सकें इसको। दोस्तों मंत्र हैं ये वाले जो मैंने देखे, जो मैंने नेट से तलाश करे, जो मैंने बुक्स में देखे, जो मैंने तंत्र साहित्य में देखे। तो कौन सा मंत्र अपनाएं, कौन सा छोड़ें, ये अपनी बुद्धि आपकी, अपनी बौद्धिकता, अपनी इच्छा, अपना विश्वास। ओम काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात। एक तो ये मंत्र हुआ, दूसरा मंत्र हुआ ओम काम देवाय विद्महे पुष्प बाणाय धीमहि तन्नो कामा प्रचोदयात। एक और मंत्र हुआ ओम काम देवाय विद्महे पुष्प वानाय धीमहि अनंग प्रचोदयात। एक और मंत्र है जो मैंने देखा कहीं, ओम काम दिव्याय विद्महे अनंग पत्ये च धीमहि तन्नो रति प्रचोदयात। इसको रति मंत्र भी कहते हैं इसको। और जो ये मंत्र महाणव का मंत्र जो मैं प्रमोट करूंगा, जो मैं कहूंगा ये करें, ये आप ध्यान से सुन लें, इसकी कॉपी भी मैं दे दूंगा। मैं कोशिश करता हूं देखिए, मगर मेरे दोस्तों मैं अकेला व्यक्ति हूं, मैं खोजता हूं, मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही सजाता हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं, मैं ही चपरासी हूं, मैं ही झाड़ू लगाने वाला हूं, तो एक आदमी क्या क्या कर लेगा बताओ। मगर फिर भी जितना दे रहा हूं, जितनी कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छा दूं और तलाश तलाश के ढूंढ ढूंढ के दूं जगह जगह से। ये दोस्तों मंत्र महाणव का ये 278 पृष्ठ पे है ये वाला। ओम मन्मथेशाय विद्महे काम देवाय धीमहि तन्नोन्नगः प्रचोदयात। फिर एक बार बोल देता हूं, ओम मन्मथेशाय विद्महे काम देवाय धीमहि तन्नोन्नगः प्रचोदयात। ये दोस्तों मंत्र आप, मैंने इतने सारे मंत्र बता दिए, अब दोस्तों इसमें से आप कौन सा अपनाएं, कौन सा छोड़ें। और ये कामदेव का जो मंत्र है दोस्तों, ये हमारी कामेच्छाओं को भड़काने के लिए नहीं है, कामेच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए है, कामेच्छाओं को दबाने के लिए है ना। इसको हमें, ये हमारा जो हमारी जो इच्छाएं हैं, इन इन इनको इनका दमन करके, कामेच्छाओं का दमन करके, इच्छाओं का दमन नहीं करना, इच्छाओं का दमन किया तो फिर तो शव हो जाएगा आदमी। कामेच्छाओं का दमन करने के लिए इसको अपना है दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज यूट्यूब में सब्सक्राइब करें गोपाल आजू को। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर हियरिंग।